प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें जो घातांक से संबंधित नियम है उसके बारे में बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसमें, तो दो की घात है हमारे पास 2/3 और 2 की घात है 1/5, तो इसको हमें हल करना है। अब देखो हमारे पास a की पावर p इंटू a की पावर q जब होता था तो हम इसको क्या लिख सकते थे, जब आधार बराबर हो तो शक्तियां आपस में जुड़ जाती है, तो a की पावर p प्लस q लिख सकते हैं इसको हम, यानी कि इसको हम इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब यहां से देखो 2 की पावर इनका लघुत्तम आएगा 15, 3 और 5 का, अब यहां पे 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 3 × 3 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 13/15 है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो और बिना ब्रैकेट के लिखना चाहो तो बिना ब्रैकेट के लिख दो, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7 है, हमें इसको हल करना है। अब देखो जब हमारे पास a/b इसकी पावर क्यू है तो हम इसको a की पावर q/b की पावर q ये लिख सकते हैं, पावर हमने अलग अलग कर दी इसकी, तो यहां से इसके हिसाब से क्या बनेगा 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 इसकी पावर 7। अब देखो 1 की पावर 1 तो कितना होता है, 1 की तो जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 × 1 × 1 देखो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 देखो 2 लोगे तब भी बनाएगा, 3 लोगे तब भी बनाएगा, जितने मर्जी ले लो कितना आने से तो 1 ही आने हमारे पास, तो ये तो हमारा 1 ही है ऊपर, तो अभी यहां पे तो हमारे पास 1 ही है। अब इसको देखते हैं, अब देखो a की पावर p और उसकी पावर q क्या होता है, a की पावर p q, तो यहां पे देखो a की पावर p और उसकी पावर q यानी कि 3 की पावर 3 × 7 हो जाएगा ये। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर इस पावर को ऊपर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर -21, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, तो ये है हमारा पार्ट सेकेंड। ठीक इसी तरह से पार्ट थर्ड देखते हैं हमारे पास, पार्ट थर्ड में देखो 11 इसकी पावर है 1/2 और 11 इसकी पावर है 1/4। देखो आधार तो बराबर है, ये कुछ ऐसा हो गया a की पावर p बटे में a की पावर q, तो कितना था भाई ये a की पावर p माइनस q था, तो ये नियम लग गया इस पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 − 1/4 ये p और ये q, तो इसके हिसाब से 11, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, देखो हम यहां पे कर लेते हैं एक बार क्या पता आपको ना समझ में आए, तो हमें क्या करना होता है 2 और 4 का लघुत्तम लेना होता है, 2 का और 4 का लघुत्तम, तो 2 पे किया तो 1 और ये 2, फिर 2 पे किया तो 1 और 1, तो इसका एलसीएम आ गया 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, तो यहां पे हम 4 लगाते हैं। अब 1/2 की इस 4 के साथ गुणा करते हैं, इसकी इस 4 के साथ गुणा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 तो यहां पे आ गया हमारे पास 2, 2 × 2। अब इसकी गुणा करेंगे 1/4 की जब हम 4 के साथ गुणा करेंगे तो कट के 1 आ गया, बीच में माइनस है तो 2 − 1 यानी कि 1/4 आ गया हमारे पास। यहां पे हमने डायरेक्ट किया था कि 2 और 4 का लघुत्तम हमें पता ही है कि 4 होगा, जब इसकी 4 के साथ गुणा करेंगे 2 × 2 = 4 तो 2 आ जाएगा, तो यहां पे 2 आ जाएगा, माइनस 4 के साथ गुणा करेंगे तो कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 11 की पावर 1/4 तो ये इसका आंसर आ जाएगा, तो ये है हमारे पास पार्ट थर्ड। ठीक इसी तरह से पार्ट फोर देखते हैं, अब पार्ट फोर को अगर आप ध्यान से देखो तो आधार बराबर नहीं है, शक्तियां बराबर है, 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2 आधार बराबर नहीं है, शक्तियां बराबर है, तो जब शक्तियां बराबर थी तो किस तरह था a की पावर p इंटू b की पावर p, तो इसको क्या लिखा गया था a b इसकी पावर p यानी कि a और b की गुणा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 8 इसकी पावर 1/2
सात आठ छप्पन होता है, तो छप्पन की पावर एक बटा दो, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है नौवीं क्लास का संख्यापत्ति वो कंप्लीट हो जाता है, और अब आप इसकी एक बार एक छोटी सी रिविजन कर सकते हो। प्यारे बच्चों एक बात और आपके साथ मैं करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे जो वीडियो हैं वो अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप इनको लाइक जरूर करें और इन पे कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट में ये भी बता दें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए आपके द्वारा जो कमेंट किए जाते हैं उससे हमें और ज्यादा बेहतर काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। आप हमें बताएंगे कि हमें ये सर समझ में आ गया है तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप वो भी हमें बताएं कि ये यहाँ पे ये हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें। तो एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई वीडियो देखते हो तो उसको लाइक जरूर करो, उस पर कमेंट जरूर करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।